हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फर्मेट्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग 2 to the power 42 by 11। तो यहाँ पर हमें 11 से 2 to the power 42 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा वह बताना है। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 to the power 42 मोड 11 इज इक्वल टू व्हाट। इसका मतलब यही हुआ कि 11 से यदि 2 to the power 42 को भाग दें तो हमें रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो इसे हम किसकी सहायता से प्राप्त करेंगे? हम फर्मेट्स थ्योरम की सहायता से इसे प्राप्त करेंगे। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता है, यहाँ लिखेंगे बाय फर्मेट्स थ्योरम a to the power p-1 इज congruent टू 1 mod p, जहाँ की p प्राइम नंबर है और a और p का gcd क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a की जगह क्या दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है, 2। प्राइम नंबर क्या है यहाँ पर, 11 है। ठीक है, तो हम इस पर 11 पुट कर देंगे p की जगह। 11 - 1 इज congruent टू 1 mod 11। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 to the power 10 इज congruent टू 1 mod 11। यानी कि 11 से यदि 2 to the power 10 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। अब इसी की सहायता से हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी कि 11 से 2 to the power 42 को अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर में क्या प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे नाउ 2 to the power 42 mod 11 इज इक्वल टू 2 to the power 42। हम इस 42 को 10 के द्वारा तोड़ते हैं, 10 × 4, 4 + 2। ठीक है, मोड 11। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 to the power 10 × 4 × 2² mod 11। अब यहां पर हम इसे ऐसे लिखेंगे, 2 to the power 10 whole to the power 4 × 2² mod 11। अब हम मोड 11 को दोनों पर लगाते हैं, 2 to the power 10 whole to the power 4 mod 11 × 2² mod 11 whole mod 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें 2 to the power 10 को यदि 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में क्या प्राप्त होता है, 1। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 to the power 10 पर क्या है, पावर 4 है, तो इसे यहाँ पर अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमें 1 ही प्राप्त होगा, यहाँ 1 to the power 4 हो जाएगा। ठीक है, × 2² यानी कि 4 mod 11 mod 11। तो यहाँ में क्या हो गया, 4 mod 11 mod 11। 11 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, 4। तो 4 mod 11, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, 4 ही प्राप्त होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग 10 to the power 100 by 7। तो यहाँ पर भी हम क्या निकालना है, हमें 10 to the power 100 mod 7 इसका वैल्यू, यानी 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बाय फर्मेट्स थ्योरम a to the power p-1 इज congruent टू 1 mod p, जहाँ की p प्राइम नंबर है, साथ ही a और p का gcd क्या है, 1 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं a का वैल्यू 10 है
और पी का वैल्यू 7 है, 10 और 7 का जीसीडी क्या होगा 1 है, और साथ ही पी ये क्या है 7 एक प्राइम नंबर है, तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ए की जगह हमें क्या दिया हुआ है 10, ठीक है। पी का वैल्यू क्या है हमें 7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। ये 10 to the power 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, यानी कि 7 से 10 to the power 6 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। अब हमें क्या पता करना है 10 to the power 100 mod 7 का वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे नाउ 10 to the power 100 mod 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसे इस तरह से तोड़ते हैं, 6 की सहायता से 100 को लाएंगे तो 6 को किससे गुना करने पर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 96 इंटू 10 to the power 4 हो जाएगा, जुड़ करके ये 100 हो जाएगा यहाँ पर मोड 7। अब इस मोड 7 को दोनों पर लगा देते हैं, क्या हो जाएगा 10 to the power 6 इंटू 6 इंटू 16 मोड 7 इंटू 10 to the power 4 मोड 7 हॉल मोड 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 10 to the power 6 हॉल टू द पावर कितना 16 मोड 7 इंटू 10 to the power mod 7। तो यहाँ पर मोड 7 10 to the power 6 mod 7 का वैल्यू क्या मिला है हमें 1 मिला है, यहाँ हो जाएगा 1 to the power 16 इंटू 10 to the power 4 mod 7 मोड 7। तो यहाँ पर 10 to the power 4 mod 7 मोड 7। अब हम इसे ऐसे करते हैं 10 to the power 4 को हम 10 square के द्वारा 10 square का हॉल स्क्वायर लिख देते हैं, 10 square का हॉल स्क्वायर मोड 7, फिर यहाँ मोड 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 square 100, यानी कि 7 से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर होगा 2 रिमाइंडर होगा, तो 2 पर हमें क्या आ जाएगा स्क्वायर 2 square मोड 7, तो 4 mod 7 हो जाएगा, 4 mod 7 यानी 7 से 4 को डिवाइड करने पर हमें 4 ही आएगा, यही हो गया आंसर। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेंड ऑन डिवाइडिंग 7 to the power 1000 by 11। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है 7 to the power 1000 mod 11 का वैल्यू, तो यहाँ देख रहे हैं ए का वैल्यू 7 है, पी का वैल्यू 11 है, प्राइम नंबर यह है, साथ ही इन दोनों का जीसीडी 1 है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट सेवन को अप्लाई करेंगे बाई फॉर्मेट्स थ्योरम, क्या तो ए टू द पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod ए का वैल्यू क्या है 7, पी का वैल्यू क्या है 11, तो 11 - 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, यहाँ हो जाएगा 7 to the power 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11,
यानी कि 11 से 7 टू द पावर 10 को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होता है 1। अब यदि यही 7 टू द पावर 10 पर हम क्या करते हैं हॉल 3 कर दें, पावर 3 चढ़ा दें, तो भी हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, 7 टू द पावर कितना, सॉरी यहाँ पर हमें क्या लाना है, 7 टू द पावर 1000 ना, तो यहाँ 100, इस पर यदि हम 100 पावर के रूप में चढ़ा दें पूरे पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 टू द पावर 1000 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड्यूलो 11, यानी कि 11 से 7 टू द पावर 1000 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1। देयरफॉर 7 टू द पावर 1000 मोड 11 इज इक्वल टू 1। इसके बाद आते हैं जून 2016 में, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 37 टू द पावर 49 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पर 37 टू द पावर 49 मोड 7 का वैल्यू हमें निकालना है। हम देख रहे हैं ए का वैल्यू 37 है, पी का वैल्यू 7 है जो प्राइम नंबर है, और साथ ही ये दोनों का जीसीडी क्या है 1 है, इसीलिए हम फॉर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाई फॉर्मेट्स थ्योरम ए टू द पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या है 37, पी क्या है यहाँ पर 7 है, तो 7 माइनस 1 हो जाएगा इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। तो 37 टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। अब हमें यहाँ क्या लाना है, 37 टू द पावर 49 मोड 7 का वैल्यू हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, 37 टू द पावर 49 मोड 7 इज इक्वल टू, हम इसे 6 के द्वारा तोड़ते हैं, 6 अठे 48, 48 और 1 मिलकर 49 मोड 7। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 37 टू द पावर 6 इंटू 8 इंटू 37 मोड 7। तो यहाँ हो जाएगा 37 टू द पावर 6 होल टू द पावर 8, हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 37 मोड 7, हम इसे ब्रैकेट में ले लेंगे मोड 7। अब मोड 7 दोनों पर लगा देंगे, 37 टू द पावर 6 होल टू द पावर 8 मोड 7 इंटू 37 मोड 7 पूरा पर मोड 7। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू होगा, 37 टू द पावर 6 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, तो यहाँ 1, चूंकि इस पर पावर 8 है तो यहाँ 8 लगा देंगे। फिर यहाँ 37 मोड 7 इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, 7 से 37 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, ठीक है मोड 7। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 मोड 7, 7 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। ओके, इसके बाद फाइंड द रिमाइंडर लेफ्ट ऑन डिवाइडिंग 5 टू द पावर 103 बाई 101। तो यहाँ देख रहे हैं ए का वैल्यू 5 है और प्राइम नंबर के रूप में 101 है, और साथ ही देख रहे हैं कि इन दोनों का जीसीडी क्या है 1 है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम की सहायता से रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। यहाँ हमें निकालना है 5 टू द पावर 103 मोड 101 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ लिखेंगे बाई फॉर्मेट्स थ्योरम क्या ए टू द पावर पी माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड पी। तो यहाँ ए की जगह क्या है 5, पी का वैल्यू क्या है 101, तो 101 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 101। यहाँ हो जाएगा 5 टू द पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 101, यानी 101 से इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में हमें क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है। नाउ हमें क्या निकालना है,
फाइव टू द पावर 103 मोड 101। तो हम यहाँ पर 103 को 100 की सहायता से तोड़ते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 3 मोड 101। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 100 इंटू 5 क्यूब मोड 101। अब दोनों पर मोड लगा देते हैं, 5 टू द पावर 100 मोड 101 इंटू 5 क्यूब मोड 101। अब ये दोनों पर भी पूरे पर हम मोड 101 लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 5 टू द पावर 100 मोड 101 का वैल्यू क्या निकला हुआ है, 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 क्यूब यानी 125। 125 को 101 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या होगा, 24 मोड 101, यानी कि 24 मोड 101। तो 101 से 24 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा हमें, 24। ओके, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को फर्मेट थ्योरम पर बेस्ड पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताया। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।